फ्रॉम डिवाइन टचिंग एकेडमी पुणे। ये वीडियो बन रहा है लिब्रा राशि के लिए। लिब्रा राशि का अक्टूबर 2019 कैसे जाने वाला है। तुला राशि को एक हाईली इम्बेलेंस्ड साइन कहा गया है। आप बहुत ही कोशिश करते हैं अपने लाइफ को बैलेंस करने में, पर आप बहुत अनसक्सेसफुल होते हैं या आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। सो एवरी डे आपको थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालने हैं अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आपका सबसे अच्छा कार्ड आया है आपकी रिलेशनशिप के लिए, कि आप बहुत ही अच्छे वे से आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाले हैं। अनमैरिड लोग जो हैं, वो अगर आप कुछ डिसीजन बना रहे हो आपकी रिलेशनशिप के लिए, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको लॉजिकल होना है। एग्जाम्पल, आपने दो कैंडिडेट्स देखे हैं या दो लड़कियां आपने देखी हैं और आपको चूज करना है कौन सी अच्छी है। एक है जो बहुत ही गुड लुकिंग है, बट फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है। और एक आपने देखा है जो एवरेज है लुक्स में, पर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और जॉब अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है। तो आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है। लॉन्ग रन में आपको लुक्स काम नहीं आएंगे, लॉन्ग रन में आपको एजुकेशन, बैकग्राउंड और आपको उनका नेचुरली एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको काम आएगा। तो अगर आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जाएगा। आप मैरिड हैं तो भी आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं कि लड़ाई झगड़े में फायदा है या फिर सेपरेशन डिवोर्स में फायदा है। तो अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। सेकेंड पॉजिटिव कार्ड आया है आपका आध्यात्मिक के लिए, कि आपने पास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी कुछ लर्न किया है आध्यात्मिक पे, कुछ भी योगा, मेडिटेशन, कुछ भी रेकी, टैरो, एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी यू हैव लर्न, आप उसको और कंटिन्यू करके आप हायर लेवल्स तक जा सकते हैं। तो वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है ये। और आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है आध्यात्मिक में, बहुत एनर्जी आपने दी है। शायद आप घर छोड़ के भी जाके कहाँ कुछ सीखे हैं, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि अक्टूबर में आप उसे कंटिन्यू रखें, उस एजुकेशन को, उसका प्रैक्टिस करते रहें। फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव कार्ड जो आया है वो आपके हेल्थ के लिए है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी आप डिसीशंस ले रहे हैं, बहुत ही शांति है आपके लाइफ में और हेल्थ आपकी अच्छी है। करियर के लिए भी अच्छा कार्ड है कि आप इमोशनली खुश हैं, आपके करियर में कुछ फाइट्स वगैरह नहीं है, कोई आपको कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है आपके करियर में, किसी से आपको कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है। और फाइनेंस के लिए हैंगमैन का कार्ड आया है, मीनिंग आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आए लेकिन नहीं आ रहा है आपके पास। तो कहता है सही समय नहीं है, अक्टूबर मंथ आप रिलैक्स कीजिए, नवंबर में मे बी आपको पैसे आएंगे, बट अक्टूबर मंथ में अपने एफर्ट्स वेस्ट मत कीजिए। और आप अगर रेकी लर्न करते हैं तो आपके जो भी नेगेटिविटीज हैं आपके ऑरा में से, आपके चक्रास में से, वो निकल जाती है और आप पॉजिटिव हो जाते हो और राइट पीपल आपके लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, राइट फाइनेंस, पैसा राइट टाइम पे आपके पास आता है। आप सेवन चक्रा के क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, अपने घर में भी आप चार हाउस सेट्स के क्रिस्टल्स रख सकते हैं। जैसे आप क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं, एक बड़े साइज का क्लस्टर, जिससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो पैसे को अट्रैक्ट करता है। आप सिट्रीन रख सकते हैं, पाराइट रख सकते हैं, पाराइट को भी वेल्थ क्रिस्टल कहा गया है, कार्नेलियन रख सकते हैं, जिससे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। और इनकेस आपका हेल्थ ठीक नहीं है अक्टूबर मंथ में और उसकी वजह से भी इनकम कम आ रहा है, You should take it easy. You should first concentrate on your health. Thank you.